राजधानी रायपुर के डुमरा तराय में स्थित श्रीराम थोक सब्जी मंडी बाजार के कारण स्थानीय रहवासी काफी परेशान रहते हैं। आप भी इधर से जाते होंगे तो रहवासियों की शिकायत सुनते होंगे। सब्जी मंडी के कारण कॉलोनी के रास्ते पर अवैध पार्किंग, अवैध कब्जा और सड़क किनारे सड़ी गली सब्जियां फेंकी रहती हैं और इससे लोग जो हैं वर्धमान नगर के रहने वाले लोग जो हैं इस गंदगी से बहुत परेशान रहते हैं। पिछले दिनों कॉलोनी में लोगों ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था। ये तस्वीरें आपको वही दिखा रहे हैं। 22 सितंबर को वर्धमान नगरवासी ने चक्का जाम करने की बड़ी घोषणा की थी, लेकिन उससे पहले ही निगम का बुलडोजर आज श्रीराम थोक सब्जी मंडी के पास चलाया गया है। कार्रवाई से कॉलोनी के लोग तो संतुष्ट हैं, लेकिन ये जो आपको झोला और बोरा लेकर जाते हुए दुकानदार दिखाई दे रहे हैं, स्थानीय दुकान संचालक जो हैं वो नाराज हैं, वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, ये वर्धमान नगरवासियों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन सब्जी विक्रेता कह रहे हैं कि यहां से भगा रहे हैं, हम जाएंगे कहां? देखिए भारत, ये पूरा मसला जो है स्वच्छता को लेकर के है और अवैध पार्किंग को लेकर के है, क्योंकि डुमर तराई का इलाका है जहां पर थोक सब्जी मार्केट है, वहीं से जो है पूरे शहर भर में रायपुर में वहां से जो है सब्जियों का जो है वो विक्रय किया जाता है और हर जगह जो है सब्जी वहीं से जाता है। तो वहां पर जो आसपास के लोग हैं वो काफी परेशान हैं, क्योंकि जो सब्जी सड़ी गली रहती है उनको आसपास में ही जो है डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बदबू आती है और जिसकी वजह से बीमारी फैलने का भी डर है। इसके अलावा जो अगल बगल की कॉलोनियां हैं उनके रोड जो है वो जाम हो जाते हैं, गाड़ियों की भीड़ लग जाती है वहां पे सब्जियों का भी जो डंप होने से जो है रास्ते जो है वो वहां जाम हो जाते हैं, इसकी वजह से लोग परेशान है लगातार। वहां के रहवासी तो अनमोल ये भी कहते थे कि ये जो दुकानदार हैं और सब्जी खरीदने जो लोग आते हैं राजधानी के लोग, वहीं पर पेशाब भी करने लगते हैं और इससे भी बहुत सारी गंदगियां वहां फैल रही थी, बीमार हो रहे थे लोग। अब बिल्कुल भारत, आपने सही कहा कि इस तरीके के कृत्य जो है वहाँ सामने आ रहे थे। 22 सितंबर की तारीख को आह्वान किया था कॉलोनी के लोग कि बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए निगम ने आज कार्रवाई की है, तो हो सकता है कि 22 सितंबर को होने वाला जो प्रदर्शन था वो थम जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निगम के द्वारा ये लगातार नियमित रूप से चेकिंग होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। अगर आम लोगों को परेशानी हो रही है, आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये बहुत बड़ी दुविधा है। जरूरी भी है कि जो सब्जी विक्रेता है उनको भी एक जगह मुहैया कराई जाए, अच्छी जगह मुहैया कराई जाए और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए, मानकों को तय किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अनमोल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।